2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने पहली राहत की सांस ली। पार्टी चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद कलाप के कद्दावर नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। ये पूरा सप्ताह आम आदमी पार्टी के लिए काफी कारगर रहा, क्योंकि आज यानी कि 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई है। केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने 23 मार्च को हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक का जवाब मांगा था, जिसके बाद ईडी ने 2 अप्रैल की शाम में कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें एजेंसी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए ही मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने अपने जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले के रुपयों का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 22 मार्च को उन्हें 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया था। 28 मार्च को उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें 15 दिन की जेल हो गई और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है। जिसके बाद केजरीवाल 1 अप्रैल से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो तिहाड़ में पहले दिन केजरीवाल 14x8 फीट की कोठरी में रात भर घूमते रहे। वो सिर्फ कुछ देर के लिए ही सीमेंट की फर्श पर सोए। खबर तो ऐसी भी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में यूपी से अखिलेश यादव भी उतर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि संजय सिंह की जमानत के बाद अब केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या, रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा? जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है, किस बात का उनको डर है कि विपक्ष के नेताओं को झूठा फंसाने का इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली नहीं कर पा रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंगें कर रहे हैं, क्लोज डोर रैलियां कर रहे हैं। एक हॉल शादी का बुक कर लेते हैं या हॉल कहीं बड़ा मिल जाता है बुक कर लेते हैं। जिनकी दिल्ली में सरकार हो, लखनऊ में सरकार हो, अपनी उपलब्धि बताने के लिए ना हो, जो केवल राशन उपलब्धि बता रहे हों। सोचिए देश का 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं वो कैसे विश्वगुरु हो सकते हैं? और फिर किसानों की आय भूल गए, दोगुनी करनी थी, नौजवानों को नौकरी देनी थी वो भूल गए, महंगाई भूल गए, और चीजों की महंगाई भूल गए हो न भूल गए हों, कम से कम नमक की तो महंगाई याद रखें कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी, आज नमक क्या हिसाब बिक रहा है। वहीं इन्हें यह भी याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है, और उत्तर प्रदेश में नौकरियों के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, इसका जिक्र और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं नहीं है। चाहे उन्हें मुख्यमंत्री घूमे, डिप्टी सीएम घूमे, इस प्रदेश का नौजवान और किसान जानता है कि उनको धोखा दिया है। जिन लोगों ने झूठ बोला है उनको सबक जनता इस बार सिखाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।